ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, पार्ट फोर। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे, तुमने एक बार अपनी परेशानी मुझे बताना तो चाहिए थी। मनोज रविकांत की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने रविकांत से कहा, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो मुझे मजबूत बनाते हैं, इसमें परेशानी कैसी। कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग के और अधिक निकट पहुंचा हूं, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर के मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन वह रवि के कमरे पर ही रुका रहा। श्रीवास्तव की भांति रविकांत द्विवेदी भी इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर रहा था। रविकांत का लक्ष्य किसी कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर बनना था। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। रविकांत ने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपये है, आधे तुम देना, वे तुम्हें इंग्लिश भी बढ़ा दिया करेंगे। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाट्यकद के 30 साल के युवा थे। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ा कर आने के बाद थक कर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा दिया। अब गुरु व्यास पीठ पर और शिष्य उनके चरणों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, फिर कॉलेज जाने के पूर्व रोटी और सब्जी बनाना, शाम को फिर खाना बनाना। गुरुजी थके हारे आते थे कोचिंग से और अपनी चारपाई पर लेट जाते। एक दिन शाम को उसने थके हारे गुरुजी से कहा, सर मुझे शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा वह सोच रहा था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी डालकर गुरु जी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरु जी ने उसे एक प्रस्ताव दिया, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है, तुम कल से मेरी क्लास में आना शुरू करो। एक काम करो, शाम का खाना बनाकर 7 बजे के बैच में तुम आ जाया करो, नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। मनोज को यह प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के चड्ढी बनियान धोकर डाल देता। शाम को वह इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, शेष समय इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा ही अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस में क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में 5 टेंस तक पहुँचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले जाते थे जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते थे और गुरुजी उसका अर्थ बताते थे। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीमी गति से सीखने पर ही यह विदेशी भाषा समझ में आएगी।
इसलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते आते महीना भर हो गया, लेकिन अब तक वह प्रेजेंट टेंस भी ठीक से सीख नहीं पाया था। ही इज गोइंग के प्रयोग में वह कोई बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते, पर उपलब्धि के नाम पर एक अदद प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी भी मिल जाते थे, अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। MLB कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थीं और KRG कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रेम के लिए लालायित लड़के लड़कियां कहाँ जाते। गुरुजी ने अपनी कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में महान काम किया था। चूंकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। इस बैच में गुरुजी के लिए अभी तक कोई नया प्यार तैयार नहीं हुआ था। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना KRG गर्ल्स कॉलेज में BSc कर रही थी। पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर समाप्त हो चुके थे। उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपने ससुराल जा चुके थे, इसलिए गुरुजी की मोना से प्रेम करने की जरूरत महसूस हो रही थी। पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम को प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है, ऐसा गुरुजी जानते थे। प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को SS कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी, पेन, मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। मोना ने उसे कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों ने साथ चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम BSc के बाद क्या करोगी? BSc की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उलट जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने के लिए दाना ओली की गली में जाने लगी। मनोज वहीं खड़ा मोना को देखता रहा। जब मोना उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वह वापस चला गया। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में सर से कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता। लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए 50 रुपए नहीं है। मनोज ने अपना सच कह दिया। उसे सच कहने में कोई संकोच, कोई शर्म महसूस नहीं हुई। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन मोना समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। गुरुजी ईर्ष्या में जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा।
क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था। ग्रीटिंग में मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर ना लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से इस पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी यह नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वही टेबल पर रखा हुआ था। कई महीने से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के द्वारा लाए गए हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़कर फेंक दिया और उसे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जैसे ही वह बाहर निकला, तिवारी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। दीपक अभी भी टेम्पो चला रहा था। माँ ने उसे वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1,000 रुपये दे दिए। बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नज़दीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवनीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने आ गया। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। छोटे से ग्वालियर में और बड़ी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया था। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने की कोशिश करता रहता, इसलिए वह हमेशा पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि रात को भी छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो वह सुबह 4-5 बजे तक छत पर पढ़ता रहता। टोपे वाले मोहल्ले में कोई लड़का इस तरह पढ़ाई करने वाला नहीं था, इसलिए सभी पड़ोसी उसकी बहुत प्रशंसा करते। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन जगमोहन ने उससे कहा, मनोज क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? उसने जगमोहन से विवेकानंद केंद्र के बारे में और अधिक जानकारी जाननी चाही। जगमोहन ने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। यह केंद्र एक आश्रम जैसा था जो ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। लगभग 60 युवा लड़के और लड़कियां शिविर में 3 दिन रुकने वाले थे। वह भी 100 रुपये फीस देकर जगमोहन के साथ शिविर में पहुंच गया। शिविर के पहले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी, फिर व्यायाम, नाश्ता। उसके बाद एक दिन के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता।
उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहाँ से वह केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले, इसलिए ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपने विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता, यहाँ तक कि श्रमदान में भी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता। शिविर के दूसरे दिन रात को सोने से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं ये लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जगदीश तोमर के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वे कवि हैं और ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आप को कमजोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर आ गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। जगदीश तोमर जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को देना था। उसने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहाँ पर देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसके भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इन प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी को देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। तोमर जी ने ठीक ही कहा कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब यह क्लियर हो गया था कि उसे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के ऊपर सजा कर रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा की आग लग चुकी थी। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। सेकेंड ईयर में भी वह सेकेंड डिवीजन से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। वापस आकर उसने विवेकानंद का साहित्य पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया जरा सा, 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस, अब इसके आगे मुझ में दम नहीं,
बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं, मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए, वह गांव चला गया। माँ और छोटी बहन रजनी गांव में नहीं थीं। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा की खबर लेने डिंडौरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र को ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगा? मनोज ने कहा, मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी, पापा, दीपक, छोटी बहन रजनी, सबे छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए ये पूरा देश ही मेरा घर है। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भज गए हो तो रजनी को ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था, उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूंक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा ना थी? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ता ना पकड़ता? पुलिस, कचहरी, थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है, और तू पीएससी छोड़ चाह रहा है? पढ़वे की दम ना बची का, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था राकेश। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीधा सरल राकेश उसके पीएससी छोड़ने के फैसले से इतना उग्र हो सकता है। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, तुझे क्या लगता है, घर छोड़ छोड़ के संत महात्मा बन के ही देश की सेवा होत है? मास्टर, दुकानदार, पुलिस के सिपाही, किसान, मजदूर, ये देश की सेवा नहीं कर रहे? जो आदमी अपनों काम ठीक ढंग से कर रहा हो वो देश की सेवा कर रहा हो। जो आदमी अपने काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हो वो देश की सेवा नहीं कर रहा हो। चाहे वो फिर कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे किसी मठ को महंत, देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है। तुझे एसडीएम बन के ही देश की सेवा करना चाहिए, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भागने वाले तमाम लोग टाइम काट रहे हैं। काशी, वृंदावन, प्रयाग में कई अपराधी पुलिस से बचने के लिए साधु बने बैठे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है, पर उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। उसने अपने मन की दशा को समझते हुए और अपने डगमगाते हुए संकल्प को विराम देते हुए राकेश से कहा, राकेश, मेरा उद्देश्य किसी भी तरह देश की सेवा करना है। तो सही कह रहा है, पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में परीक्षा पास करने की दम नहीं थी, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद समाप्त हो गया।
पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडौरी से न आने के कारण मनोज माता पिता से मिलने डिंडौरी चला गया। डिंडौरी में एक सरकारी क्वार्टर में माता पिता और रजनी रह रहे थे। पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं, पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ईमानदार हूं, वे सब बेईमान हैं, मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, मुझे हाईकोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। मां ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पाते, दुनिया नौकरी कर रही है कि जे अनोखी नौकरी कर रहे हैं, बस लड़बो जानते, उल्टो सीधो बोलावते अधिकारी से, भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दे डिप्टी डायरेक्टर को, कर दिए गए सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्य उद्घाटन पसंद नहीं आया। पिता ने माँ को डांटते हुए कहा, तू कुछ ना जानती, गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे जे सब, वे जूते से नहीं मानते। माँ आज रुकने वाली नहीं थी, उनको कुछ ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं, मोड़ा के पास फीस भरवे को पैसा ना है, जब मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं। माँ की बातों का पिता पर कोई असर नहीं हुआ, इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मनोज ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ गया वापस जाने के लिए। वह रास्ते भर सोचता रहा, कब तक, आखिर कब तक लड़ेंगे पापा, आपको दबाना, ज्वालामुखी को दबाना है। मनोज अपने पिता के संघर्ष से प्रभावित हो रहा था। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है। यह रणनीति ही अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में जब मोहन ने मनोज से कहा, उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल के पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ है और वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मनोज उन सीनियर से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। दीनदयाल नगर में किराए के एक मकान में वह भाई साहब रहते थे। मनोज और जगमोहन उनके कमरे पर पहुंच गए। दोपहर के 2 बज चुके थे, दरवाजा अंदर से बंद था। जगमोहन ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक जगमोहन की नजर दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी, जिस पर भाई साहब का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 8 से 1 पढ़ाई, 1 से 2 भोजन, 2 से 3 आराम, कोई दरवाजा ना खटखटाए, 3 से 7 पढ़ाई, 7 से 8 भोजन, 8 से 9 टहलना, 9 से 12 पढ़ाई। जगमोहन ने जोर से स्लिप की इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय भाई साहब के आराम करने का था, इसलिए दोनों 3 बजे तक गेट के पास बैठकर और बाहर टहलकर अपना वक्त गुजारा। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी, पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली हुई थी, कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे, जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी लिखी हुई थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग पर बैठ गए। भाई साहब ने अपना सर घुटवा लिया था,
जगमोहन को घुटा हुआ सर देखकर भाई साहब के परिवार में किसी के मरने की आशंका हुई। उसने भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या घर में गमी हो गई है? भाई साहब को शायद इस तरह के प्रश्न दूसरों ने पहले भी पूछे थे, वह इस प्रश्न के अभ्यस्त थे। उन्होंने अपने सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, नहीं, बालों से पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था इसलिए कटा दिए। मनोज को समझ नहीं आया कि बाल कैसे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। भाई साहब दोनों के चेहरों पर चिपके प्रश्न चिन्ह पहचान गए। अरे, बालों के कारण रोज नहाना पड़ता था, अब किसके पास रोज नहाने का टाइम है? नहाने के बाद भी बाल सुखाओ, तेल कंघा हजार झंझट है, अब पढ़ाई करें या ये सब करें, इसलिए बाल ही कटा दिए। भाई साहब की तपस्या देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। अभी अपनी अब तक की पढ़ाई भाई साहब की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, भाई साहब प्रीलिम्स में आपका क्या विषय है? भाई साहब ने कहा, इतिहास। मनोज का भी एक विषय इतिहास था। उसे लगा कि भाई साहब से पीएससी की तैयारी का अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। उसने भाई साहब से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछे। भाई साहब ने भारतीय इतिहास की 10 किताबों और 3-4 गाइडों के नाम लिखा दिए। प्रीलिम्स परीक्षा के दूसरे जरूरी विषय सामान्य अध्ययन के लिए किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज ने भाई साहब से पीएससी की पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में पूछा तो भाई साहब ने बता दिया, यदि सिलेक्ट होना है तो रोज 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सोना खाना पीना सब भूलना पड़ेगा, दोस्ती यारी घूमना फिरना फिल्में तमाशे शादी विवाह रिश्तेदारी सब से दूर रहना पड़ेगा। भाई साहब ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। भाई साहब से पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? भाई साहब ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, पीएससी में नायब तहसीलदार ब्लॉक ऑफिसर या सेल टैक्स इंस्पेक्टर आदि बनने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर तो भाग्य से विरले लोग ही बनते हैं। जीवन के सारे सुख त्याग कर लगातार 5 साल रोज 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भाई साहब डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना नहीं देख पा रहे थे। भाई साहब ने डिप्टी कलेक्टर बनने की जिम्मेदारी भाग्य को सौंप दी थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या पीएससी सच में इतनी कठिन है जितनी भाई साहब बता रहे हैं। मनोज तो सोच रहा था कि 1-2 साल में मेहनत करके वह पीएससी निकाल लेगा, पर भाई साहब ने तो अलग ही समय सीमा तय कर रखी थी। मनोज के साथ आए जगमोहन के मन में भी शायद यही बात चल रही थी। उसने भाई साहब से कहा, भाई साहब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल में मेहनत करके पीएससी की परीक्षा पास कर लूंगा। शुरू में तो मुझे भी यही लगता था जग्गू, पर ऐसा होता नहीं है, भाई साहब ने कहा। 3:30 पर ठीक आधा घंटा बाद भाई साहब अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भाई साहब ने बोलना बंद कर दिया, जैसे रिकॉर्ड की हुई कैसेट में भरी हुई रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती हो। जगमोहन ने दरवाजे पर लगे टाइम टेबल को देखा तो उसमें 3:30 इतिहास पढ़ने का वक्त था। घड़ी की सुई 3:30 बजा रही थी। भाई साहब ने इतिहास की किताब खोल ली थी। मनोज इस समय की पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों लड़के खड़े हुए और भाई साहब को नमस्ते करके कमरे के बाहर निकल आए। भाई साहब ने अपनी किताब में नजर गड़ाए, दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। बीए फाइनल की परीक्षा हो गई। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है, पता नहीं कब और कैसे मैं सफल होऊंगा।
पर जानता हूँ आगे के 2 साल मुझे कड़ी मेहनत करनी है। तैयारी पूरी ना होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे का गैप था। चबूतरे पर बैठा मनोज प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे, मेरा नाम बड़ा और बोलने में मेहनत कराने वाला है, इसलिए मुझे सिर्फ पांडे ही कहें तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने खुद ही बोलने लगा। वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं सही उत्तर कम होने लगते हैं। मनोज ने कहा, मुझे लगता है मेरे 80 सही हैं। पांडे, फिर तो तुम्हारी प्रीलिम्स नहीं निकलेगी। 20 तुम अभी गलत मान रहे हो। जिन 80 को तुम सही मान रहे हो उनमें से 15-20 अभी तुम्हारे और गलत होंगे। मनोज इस तरह की यथार्थवादी और कटु व्याख्या सुनने को तैयार नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उससे इतनी कटु और निराश करने वाली बात करेगा। पांडे की व्याख्या के अनुसार उसकी प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर नहीं होगी। लग तो उसे भी रहा था कि वह आज की परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी तो अभी शुरू ही हुई थी। पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता, इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया, यह तो मुझसे सोते समय भी पूछ लो, इसका ए उत्तर नहीं बल्कि सी है। मुश्किल है भाई इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। आओ कभी तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे। पांडे ने दृश्य दिखाते हुए कहा मनोज से, देखो वो लड़का मेरा मित्र है, पास ही दतिया जिले के इंद्रगढ़ गांव का रहने वाला है। पिछले साल उसकी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी पर मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो पाया था। प्रीलिम्स में उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। पांडे ने उस लड़के को आवाज लगाई, गुप्ता इतने आओ, कैसे गो पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड के थे इसलिए पांडे ने उनसे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता बहुत प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गाओ धासु, जो समझो के फाड़ दो, 100 में से 97 सही हैं, 3 डाउट में हैं। गुप्ता के बड़बोलेपन पर पांडे को यकीन नहीं हुआ। पांडे ने गुप्ता के प्रश्नों को जांचना शुरू किया। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया, तुम सही मान रहे थे, लौह एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 10 प्रश्न गलत कर दिए। गुप्ता को पांडे के साथ अब मजा नहीं आ रहा था। अपने प्रश्न गलत देखकर गुप्ता थोड़ा दुखी भी हो गया था। पांडे के इन्हीं दुर्गुणों के कारण गुप्ता उसे पसंद नहीं करता था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरा पे जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात काय माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने मनोज से गुप्ता से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए कहा, थोथा चना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। पांडे मनोज से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका बहुत पुराना दोस्त हो। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी
कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे को भी मनोज एक गंभीर स्टूडेंट लगा। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। इतने दिनों में पांडे यह जान गया था कि मनोज ये एक योग्य और गंभीर स्टूडेंट है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। पांडे के नियमित उसके कमरे पर जाने और पढ़ाई पर डिस्कशन करने से मनोज की पढ़ाई भी अच्छी होने लगी। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे, उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिडोरी से झाबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने इस अटैचमेंट को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1,000 रुपये मिलने भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई में शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया, लेकिन वह जानता था कि इस संकट को कोसने या दुखी होने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसने यह तय किया कि वह अब कोई काम करेगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा। यह तय था कि अब बिना पैसे कमाए वह ग्वालियर में किसी तरह नहीं रह सकता। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से दुखी मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा पांडे, और ऐसे महान पिता के पुत्र होने के नाते उसका सम्मान भी पांडे की नज़र में बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर उससे कहा, आपके पिता अपने अहंकार में अपने बच्चों का जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण उसे पसंद नहीं आया, लेकिन पांडे की बात पर ध्यान न देकर वह अपने पिता को श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी ही मानता रहा। उसने पांडे से कहा, पांडे तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ कहा नहीं। मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटखटा कर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उसके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स उसके बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। क्या वह 100 रुपये के ट्यूशन लायक भी नहीं है? उसे अपने सपनों पर संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने आप को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं इतने बड़े सपने देखने का। मुझे पता चल गया है अपना भविष्य। मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर रहा था। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी, तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। मनोज और पांडे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। निराशा में डूबे मनोज का मन पांडे पढ़ रहा था। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद
उसने केवल इतना कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब मनोज को लगा कि पांडे संवेदनशील है और उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे ने उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो उसे पांडे पर बहुत गुस्सा आया। वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती, इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज को बुखार बढ़ गया, उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता हुआ। पड़ोस की आंटी उसके लिए खिचड़ी बना लाई। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वह पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर मेरे पास आपकी फीस देने का पैसा नहीं है। उसे लगा उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के देख लेगा और दवा दे देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। मनोज के पास फीस न होने के कारण डॉक्टर ने उसे अपनी क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल हो गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब गांव जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह कैसे भी उस नैरो गेज ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचा जहां से छोटी लाइन की ट्रेन जौरा जाती थी। उसे लग रहा था बिना पैसे के बीमार हालत में निष्ठुर ग्वालियर में रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। उसको याद नहीं वह किस बेहोशी की हालत की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। 3-4 साल टेम्पो चलाने के बाद दीपक ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। सेकेंड हैंड टेम्पो बेच दिया गया जिससे उधारी के पैसे पटा दिए गए। घर की तरफ से पिता बेफिक्र हो गए थे, उन्होंने घर पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चले जा, पढ़ाई पे ध्यान दे, बे जेब 500 रुपया मुँह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश जानता था कि मनोज इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो, हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह तय करके ग्वालियर आया था कि चाहे कुछ हो जाए वह कोई जरूर नौकरी ढूंढेगा और भयानक पढ़ाई करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा जिससे कि अगले 1 साल की तैयारी के बाद पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा था उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन पांडे ने उम्मीद के उलट काम किया था। मनोज के लिए पांडे ने नौकरी ढूंढ ली थी। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए।
एक मकान के सामने पांडे और मनोज ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। उस दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था जगदीश तोमर। मनोज को यह नाम पहचाना हुआ लगा, फिर उसे याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के तोमर जी हैं। तोमर जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था, पर उसे नहीं पता था कि तोमर जी उसके कमरे से इतने नजदीक रहते हैं। तोमर जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। पांडे और मनोज को देखकर प्रसन्नता में उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, आहा आइए आइए। इतना कहकर फिर एक जोरदार ठहाका तोमर जी ने लगाया। पहले तो मनोज समझ ही नहीं सका कि तोमर जी अकारण ठहाका क्यों लगा रहे हैं। फिर उनके एक दो ठहाकों के बाद मनोज समझ गया कि तोमर जी आनंद की अवस्था में ऐसे ही ठहाके लगाते हैं। मनोज को देखकर तोमर जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि तोमर जी ने उसे पहचान लिया। तोमर जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है, केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। तोमर जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, पर पांडे ने तोमर जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए, इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं, वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। तोमर जी ने पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाया, फिर बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। हा हा हा। पांडे और तोमर जी, जिनकी उम्र में 40 साल का अंतर था, दोनों मित्रों की तरह बातें कर रहे थे। पांडे और तोमर जी के बीच ठहाकों का आदान प्रदान होता रहा। मनोज ने महसूस किया कि तोमर जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे तोमर जी के सामने ठहर ही नहीं पाते। नौकरी क्या है? साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है, दौलतगंज में है, सुबह शाम दो दो घंटे, 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, तोमर जी ने मनोज से कहा। मनोज प्रस्ताव सुनकर संतुष्ट हो गया। वह 300 रुपये भोजनालय में खाने के देकर लाइब्रेरी में ही रहकर पढ़ सकता है। उसे अब ग्वालियर में टिके रहने का आधार मिल गया। पीएससी की तैयारी करने की उम्मीद फिर से बनती हुई दिखने लगी। तोमर जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? तोमर जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसे तोमर जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए तोमर जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने जब सुना कि मनोज तोमर जी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहां तक मुझे याद है, मुझे आपने 55% बताए थे, क्या मैं सही हूं? मनोज ने तो तोमर जी को प्रभावित करने के लिए सेकेंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन में बदल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को तोमर जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। वह अंदर नहीं जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदल दिया। सर, विवेकानंद जी पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस नए विषय से उसने तोमर जी का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को तोमर जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने परसेंट थे? मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजर में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज दांव उल्टा पड़ गया।
पांडे पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण मनोज अपनी नजरें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा तोमर जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नजरों में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। तोमर जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। तोमर जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। मैं भी नहीं कहता था कि मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे PhD मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने PhD तो क्या, MPhil तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहे, मैं भी मना नहीं करता। मनोज का तनाव तोमर जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। पांडे और मनोज अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, पांडे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे ने कुछ देर सोचा कि क्या बोलना है, फिर बोला, यह बहुत जरूरी था जीवन में। अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा, इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छिपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। उन्हें भूलकर अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से वह अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच, मंच के साथ में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे, बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थीं। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वह इतिहास, साहित्य, जीवनियां, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगा। उसने अब्राहम लिंकन, एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नॉर्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती थी कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अभ्यास करता। अकेले अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाया था। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता।
पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने संकोच से कहा, तेल नहीं है। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूँगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदल कर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूँगा एक बार। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया, शीशा भी नहीं है। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज की उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मनोज ने कहा, मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ, तेल कंघी की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया था। अनजाने कवि के सामने उसके चेहरे पर चमक आ गई। अपनी बात पूरी करके मनोज कवि का थैला लिए नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। जाते समय कवि ने मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। मनोज ने जाते समय कवि के पैर छू लिए। कवि की आंखें गीली थीं, उनमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी इन 3 महीनों में 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है। लाइब्रेरी के 2 घंटों को छोड़कर यह बिल्डिंग उसे भुतहा अकेलेपन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गॉर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही है, हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत दे रही है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके मम्मी पापा गांव से उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वे हॉल में लगी साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज़्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए विषय तलाशते पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली के प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मनोज ने उत्तर दिया, मुक्तिबोध। पिता, मतलब? पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्तिबोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लाग तो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद्र के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहा है, कैसे कमजोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो। माँ ने अपने मन का दर्द पिता से कह सुनाया। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़वे की कमी ना है,
ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मैं हाईकोर्ट ते उम्मीद है, मैं बहाली हाईकोर्ट ही करेगो। मैंने फैसला ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अर्जन करूँगो। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की, पिता आमरण अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्द ही बहाल करेगा, और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की किसी को फिक्र नहीं है। पिता आगे कहना जारी रखते हैं, तेरी माँ तो अनपढ़ है, पर तू पढ़ा लिखा है, मेरी बात समझ सकता है। पिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने भी पिता की प्रशंसा करना जरूरी समझा। पापा आप एकदम सही कह रहे हैं। माता बहुत देर से पिता पुत्र को सुन रही थी। पिता पुत्र की एक राय और अपनी बुराई सुनकर माँ नाराज हो गई। माता ने गुस्से में पिता से कहा, शर्म ना आते तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी, खावे पीवे को कछु ठिकानो ना है, अब तो सुधर जाओ, घर बर्बाद होवे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ न चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होते, ईमानदारी आदमी पुराना कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं, आदमी तो वे है जो भले ही भूखे रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजानो जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन बात रह गई। पिता ने माँ से पूछा, मोए का ना पतो, मोए तो सब पतो है, यही कि तुम पागल हो गए हो, माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल अब बस निकल जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कुछ पैसे दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मो पे नाने पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा, क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं? क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। हाँ, वहाँ रहता है एक सिरफिरा जन, किंतु आज इस रात बात अजीब है। आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित भी है, गा रहा कोई पद कोई गान, बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया, बहुत बहुत कम, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर मनोज
आगे कविता नहीं पढ़ सका। उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने कविता के सिरफिरे जन की जगह उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वे पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे कविता पढ़ने की। उसने किताब टेबल पर रख दी और लाइब्रेरी की बालकनी में चला गया। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखता रहता था। एक ढलती शाम को वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा था। उसे अपना गांव याद आ रहा था, गांव की मस्ती, राकेश के साथ खेलों में मूली और गाजर तोड़कर खाना याद आ रहा था, दिन दिन भर घर से गायब रहकर क्रिकेट खेलना याद आ रहा था। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ सालों में कैसा उदासी भरा जीवन हो चला है, यही सोचता हुआ वह दौलतगंज की सड़क देखने लगा। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा लड़के बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज की उदासी कम होने लगी। वह सोचने लगा कि कब तक निराश रहा जाए, जीवन में आनंद के क्षण ढूंढने चाहिए। हालात तो हमें परेशान करेंगे ही, पर मुझे उल्लास और सुख की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर वह बड़ी तल्लीनता से बारात देखने लगा। उसकी इच्छा इस समय इस बारात के साथ डांस करने की होने लगी। उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, लेकिन बारात के बूढ़े अब लड़कों की लगातार एक ही जगह डांस करने की जिद से तंग आ गए थे। शादी में डांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसा कहकर लड़के बूढ़ों से बहस कर रहे थे। पर शायद बूढ़ों को लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। युवा डांसरों के चेहरे पर डांस ना कर पाने की निराशा दिखने लगी थी। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया कि ये काली काली आंखें, बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों के अनुशासन से निराश लड़के मनोज का जोश देखकर फिर रंग में आ गए। असहाय बूढ़े मिसमिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहा था। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। मनोज को अनजानी शादी में डांस करने में कोई झिझक नहीं हो रही थी। लड़के फिर से जबरदस्ती डांस करने लगे। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई।